박수 아기 허요 긴다. 아니 기호 도와 테르 첫벌 차이 에프링가 메일 첫벌 되는 룸마 차이 ब्ल्याक कलरको मेरो चप्पलै भेटेको छैन यहाँनिर बाहिर घुम्न घुम्ने चप्पल लगाइरहेको छु घरमा मैले मेरो चप्पल छ तर कहिले प्रियङ्का बिना चप्पलै लाउँदैन कि मैले के भनेको थियो यसलाई नि ठ्याम ठ्याम कुट्ने पाउनु पर्ने बुढा कहाँ चप्पल लगाउँदैन यहाँ आऊ तिमी यहाँ आऊ त भनेर ए आज प्रियङ्का क्या स्याड भइरहेको रहेछ कि अलरेडी कुनालले चाहिँ प्रियङ्काले चानाको सब्जी दिइरहेको थियो त्यो चानाको सब्जी अलरेडी अलरेडी त्यसको फ्रिजमा तिन दिनबाट थियो मैले भन्दै थिएँ प्रियङ्का नराख बेसी खाइहाल्नु खाइहाल्नु भरे यसरी होइन होइन मेरो भोलि खाना पाउनु पर्दैन कि म त्यही चाना खान्छु अरे भरे बिचरा सरप्राइज भएछ मेरो चप्पल चाहिँ खोइ मेरो ब्ल्याक कलरको चप्पल यसको त यहाँ छ ए धन्न पाएँ त होइन यो चप्पल त मेरो कहाँ यो बाहिर जाने चप्पल हो नि त यो सिर्फ स्पेसल स्पेसल ट्रिपको लागि मात्रै लाउँछु नि त यो चप्पल चाहिँ मैले भेरी कम्फर्टेबल यो मैले वेस्ट साइडबाट किनेको इट्स सो कम्फर्टेबल देखिए एक्सिस बैंक का ये पीके जो मिला उसको ओपन कीजिए जो सबसे लास्ट में जो एक्सिस बैंक का पीके उसको ओपन कीजिए हाँ हाँ ओपन कर दिया अब बताओ ओपन करने के बाद उसमें प्रोसेस क्या बोला जा रहा मैम वही ना बोला तो मैंने आपको कि केवाईसी भरना है वही तो मैं वही तो आया है उसमें और क्या हाँ तो ओपन कीजिए एक्सेस मोबाइल का ये पीके को ओपन कीजिए हाँ और भैया मेरा तो ये जो एक बात पूछना था जो मेरा अकाउंट ना ये मेरा तो कलकत्ता का अकाउंट है फिर मेरे को मुंबई से क्यों कॉल आया जस्ट पूछ रही हूँ मैं देखिए आपको मेन ब्रांच से कॉल किया जाएगा ना आपका जो अकाउंट है ना वो कलकत्ता में आपका बैंक है और जब आपका मेन ब्रांच जो एक्सिस बैंक का मेन ब्रांच जो होते हैं वो बैंक से आपका जहाँ से अकाउंट आपको बन के भेजे जाते हैं उसको किया जाता है आपको डायरेक्ट वहीं से कॉल किया गया है ठीक है इसमें देखिए हमारी बैंक अधिकारी से आपको कोई भी पर्सनल जानकारी पूछा नहीं जाएगा हाँ हाँ जो भी उसके माध्यम से करना बैंक से आपको कभी भी तो मैं फिर बैंक जाके कर दूंगी ना देखो बैंक से आपको कॉल किया गया मेन ब्रांच है मैम देखिए वहाँ पे सारी जानकारी आपको दिया गया जो भी करना खुद से डाल के अपना अपडेट करना है आपसे कोई भी डिटेल नहीं पूछा जाएगा अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो हम आपको बताएंगे मैम आपको ये ऑप्शन आपको भरना है मैं आपको डिटेल बता दे वही तो बोल रही हूँ मैं फिर बैंक मेरे घर से बैंक बहुत पास है मैं बैंक से जाके कर दूंगी ना फिर आपको भी दिक्कत होगा समझाने के लिए मुझे समझ में नहीं आएगा फिर मेरा ये ड्यूटी है मैम हमारा जो हमारा सरकारी जो है ना ये तनख्वाह किस लिए देता है हम लोग अगर मेहनत नहीं करेंगे तो नहीं नहीं मैं बैंक जाके कर दूंगी भैया कोई बात नहीं ठीक है थैंक यू बैंक से नहीं होंगे आपका अकाउंट बंद हो जाएगा आपका चार्जेस बैलेंस आपका कट जाएगा आपको मैं बता दे रहा हूँ अकाउंट बंद हो जाएगा जी कब आज ही बंद हो जाएगा जी अकाउंट आपका बंद हो जाएगा बैलेंस आपको 4000 रुपए कट जाएगा 4000 रुपए कटेगा क्यों आप अगर केवाईसी अपडेट नहीं करवाते ओ तो फिर मैं तो अभी अभी बैंक जाके करवाती हूँ फिर मैं ठीक है थैंक यू भैया मैम मैं आपको समझा रही हूँ आपको ऑनलाइन कस्टमर केयर से खुद से करना अपना सेल्फ से किसी को बताने का दरकार नहीं है खुद से आपको करना है नहीं तो बैंक से भी तो करते हैं ना जैसे कि मैं बैंक में जाके बोलूंगी ये बैंक से नहीं होते आपको खुद से करना है ओ बैंक से नहीं होता है केवाईसी नहीं आपको खुद से इसमें लिखा गया ना सेल्फ की वैसे उसमें पढ़िए हाँ हाँ मुझे मैसेज तो आया है व्हाट्सएप में एक्सिस बैंक से करके केवाईसी भरना है बोल के लेकिन बैंक से भी मैं करवा दूंगी ना वही इसीलिए सोच रही थी मैं बैंक से नहीं होगा मैम खुद से आपको करना बैंक से क्यों करवाएंगे आपको जब उसमें दिया गया सलाह आपको खुद से करने के लिए ठीक है नहीं बैंक से करवाऊंगी मैं ठीक है भैया थैंक यू हेलो मैम आप बोल रहे हो क्या बोल रहे बैंक से नहीं होते खुद से करना था बोलते बैंक से करेंगे बैंक से तो बैंक में मेरा अकाउंट है तो मैं अब मुझे कलकत्ता जाना पड़ेगा ना भैया कलकत्ता में मेरा बैंक है मैम आपको खुद से अपना मोबाइल से करना है बैंक से नहीं होगा ये वहाँ बैंक में आपका ये काम नहीं करेगा ये खुद से करना आपको जाएगा बोलेगा सब मेरा केवाईसी कर दो कितना करेगा बैंक वाला बैंक को नहीं होगा क्यों बैंक वाले का तो काम ही है करना उनका क्यों नहीं काम वो क्यों बोलेगा कितने लोगों का करेंगे एक्सिस बैंक वैसा नहीं आपको खुद से करना है जो नहीं थैंक यू भैया मैं बैंक जाए करूंगी ठीक है थैंक यू भाई थैंक यू इन्फॉर्म करने के लिए हाँ थैंक यू देखा इस तो हुन्छ है फेक कॉलहरु देखिस प्रियङ्का सुनिस
डियर कस्टमर योर एक्सिस अकाउन्ट विल बी ब्लक टुडे भनेर आइरहेको छ यहाँनिर, देख्यो यो नम्बरबाट एक्सिस ब्याङ्कको यहाँनिर उयो पनि लगाइरहेको छ, लोगो पनि लगाइरहेको छ। गुड मर्निङ, गुड मर्निङ, गुड मर्निङ सबैजनालाई, वेलकम ब्याक टु फेरि हाम्रो त एक्सिस ब्याङ्कको पनि त छैन, ए नाना छ त तेरो, मेरो छ एक्सिस ब्याङ्कको, तर यो स्क्याम कल हो नि त, ब्याङ्कले के भन्दैछ, अरे ब्याङ्क से नहीं होगा, उधर में लिंक भेजा है, लिंक में क्लिक करना पड़ेगा, ब्याङ्कवाला नहीं करेगा, त्यही लागि चाहिँ फ्रड केसबाट चाहिँ बाँच्नु पर्छ क्या। त्यो व्हाट्सएपमा पनि मेसेज एकदम एक्सिस ब्याङ्ककै प्रोफाइल पिक्चर छ, बुझिस, एक्सिस ब्याङ्ककै छ, मतलब यस्तो, मतलब अनलाइन फोन गर्यो भइहाल्यो भने चाहिँ नि कहिले केही ओटिपी सोटिपी दिनु, लिङ्क सिङ्क केही क्लिक गर्नु हुँदैन है, वेलकम ब्याक टु आवर युट्युब च्यानल भन्न, वेलकम ब्याक टु आवर युट्युब, मैले त भनेको थिइनँ नि त, अब म ऐना कम्ता मैला देखेको छैन नि त, होस् ऐना लुकाउनु पर्यो, यहीँबाट देखाउँछु। सो अहिले चाहिँ हामी जाने थियौँ भैयाको घरमा, त्यही लागि जाना चाहिँ खाना अलरेडी यो मटर र चाना बनाइराख्नु भएको छ, यो र भात खान आँट्नु भएको छ, म पनि फेजान भैया, म भाइ भैयालाई त फेजान भैयालाई भैया मात्रै भन्दिनँ त, ए होइन फेजान भैयाको पास चाहिँ जानु आँटेको छौँ नि त, त्यही लागि चाहिँ म चाहिँ हल्का के कुछ खाइहालौँ। सो हाई एभ्रीवन एन्ड वेलकम ब्याक टु आवर युट्युब च्यानल, होइन अघि प्रियङ्काले हाई भनिहाल्यो, मैले भनिदिनँ, सो अहिले चाहिँ हामी घरदेखिको बाहिर छु, टुडे वी आर गोइङ टु फेजान हाउस, हाम्रो हिजो पनि प्लान थियो जाने, बट उसको के कामले गर्दाखेरि चाहिँ वी डिड नट गो यस्टरडे, सो टुडे वी आर गोइङ, होइन अल्सो तपाईँलाई याद छैन धेरै टाइम अगाडि हामीले कुरा गरेको थियो, द्याट हामीले चाहिँ अब टी सर्टको लन्च गर्ने भनेर, जो कि के भएर के भएर हामी चाहिँ पेन्डिङ हुन्थ्यो, लेकिन अहिले फाइनली सबै टी सर्ट्सहरू आइसक्यो, डल्लै बनेर आइसकेको छ, दिस इज द रिजन वाई वी आर गोइङ टु फेजान हाउस, किनभने आज चाहिँ हामीले के गर्छ प्रियङ्का, टी सर्टहरू फोटोहरू क्लिक गर्छ क्या त्यो लगाएर, कहिले जान्छ नि प्रियङ्का, त गोलगप्पा दोकान त जाने भरे, लेट्स सी है, टाइम भयो भने जाउँ न है, त्यहाँबाट के त्यहाँ छेउमा हो नि त, जहाँ म त खाने होइन, त्यहाँ जानुपर्छ होला, हेरौँ लेट्स सी होइन, अन्त सो अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ, अन्त सी यु गाइस लेटर। आज कस्तो क्लियर देखिरहेको छ माथि है स्काई, ओ माय गॉड, यतिको क्लियर मैले अहिले यतिको क्लियर हातमा देख्दैन दिल्लीमा, हो हात त घाम कस्तो डर लागिरहेको छ, आज फेरि मैले आई वान्टेड टु के भन्छ त्यो ड्रिङ्क ठन्डा छ कि बिल्कुलै बिर्सिहाले, आज नै बिर्सिनु पऱ्यो नि यहाँ, सुन्न फैजानले घर रुम चेन्ज गरेछ, यही हो कि बिल्डिङ तर फर्स्ट फ्लोरमा गएछ, एउटा फ्लोरमा, लेकिन अहिलेको चाहिँ नि बेल्किन जान्नै, म किन त लिफ्टमा गएको यहीँ जान्छु, अलि अड्के भने चाहिँ नि सेकेन्ड फ्लोर होइन, थाहा छैन है मलाई, अड्के भने चाहिँ नरुनु नि त्यहाँ, ए लो यो बचाउने मान्छे आउँदा त त नि कहाँ कहीँ भित्र मरिसकेको हुन्छ, याद गर्ने सास नफेर्नु सकेर, यो होइन माथि हे त फेजान देखेको छ, होलिए छैन देखिस् माथि माथि भन्नु, यहाँ चाहिँ कहाँ लिएको छ भने त्यसको एक्सपायरी फेजानले यो सबै फ्याँक्दै रहेछ कि, अन्त म चाहिँ दे मलाई बरु इनो भनेको त, एक्सपायरी डेट एक्सपायरी डेट चेक गर्नु, अन्त यहाँ यो खाएर तेरो ग्यास त होइन, तँ चाहिँ स्यास हुन्छ, अब हम बनाएंगे कॉफी एकदम कडा वाला, इसका बालकनी व्यू बहुत अच्छा है यार, यो फेजानको घरको नि बालकनी इट्स वेरी ब्युटिफुल, सो मच अफ ग्रिन्स, यो चाहिँ सबै फेजानै लगाएको, बिकज फेजान लाई चाहिँ एकदमै ग्रिनेरिज मनपर्छ नि त, मतलब फेजानलाई चाहिँ एकदम प्लान्ट्स लगाउनु मनपर्छ, सो देख सारा प्लान्ट्स लगायो, अरे आई थिङ्क दिस इज अ वर्ड पार्क भ्यू, कफी नहीं बट इतना ज्यादा नहीं लग रहा है, हे भगवान, फिर के भयो रे,
कामचोर काम गर्दछु कि हाम्रो यहाँ चाहिँ सबै लुगाहरू यहाँ गर्दछ है कि अन्त मैले भन्छु राम्रोसँग म राम्रोसँग पटाएर राख्दछु यत्रो यत्रो पटाउँदै राख्छु मैले डबल डबल काम नगर कामचोरी होला एउटा गर सानो गरेर फोल्ड गर भनेको मैले त्यही के आँखा के अरे आँखा जब बसेर एक घन्टा भएन बस्यो एक घन्टा भएर बसेर चाहिँ त्यो मिलाएको होला बेस्ट होइन आँखा कस्तो भइरहेछ नि तेरो भिडियोहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ यस्तो जग्गा चाहिन्छ भनेको सानो क्या फेरि बेल्कुनी फेरि टिक्कै घाम पनि हल्ला पनि छैन नि त फेरि हाम्रो त्यहाँ त कस्तो हल्ला छ यार है घाम पनि छ नि त यो कुन चाहिँ एरिया रहेछ है तपाईँले राम्रो छ है यो एरिया हो त्यही त कस्तो मजा छ यहाँ यो उति यहाँ हेर न अन्त फैजाले उयो हेर्न प्लान्ट्सहरू कस्तो मजाले राखेको छ त त्यसले गर्दाखेरि मजाको देखेको छ यता हेर त मजाले गर्नु सक्छ हेर्न यस्तो रुमहरू चाहिँ लिँदा ठिकै हुन्छ क्या हामीले पनि कत्रो छ है बाल्कनी अनि फेरि यहाँबाट स्ट्यान्ड राखेर मजाले भिडियोहरू बनाउन सक्छ सो अहिले चाहिँ हामी खाना खाएर एकछिन रेस्ट गरिरहेछौँ किनभने अझै धेरै प्याकिङ गर्नु छ अझै आइरन गर्नु छ उसके बाद अझै थुपारेर राख्नु छ क्या अहिले हतु भयो बल्ल बल्ल अलिकति सक्यो दुई एक घन्टा जस्तो भयो हामीले अहिले फिलहालमा रेस्ट गरेको खाना साना खाएर सो सी यू गाइज इन सम टाइम उधर का मीटर ऑन रख उधर का इधर का नहीं मेरे का फोन पकड़ तू ये जांच क्या कर रहा है 2000 हो गया है 3000 हो गया है ओ ना ना कति को ना खाए का फजान तू 3000 नहीं 300 हुआ है रुक जा अया हमारा आज फजान ने बोला है कि टैंकी में तेल फर्स्ट डालना फर्स्ट टाइम मैं इसे तेल भरवा रहा हूं और इसने बोला कि हां मैं भर दूंगी और मेरी टैंकी बिल्कुल खाली है पता फर्स्ट टाइम ये टैंक में तेल डाल रही है अपनी जिंदगी में जब से गाड़ी में बैठी है आज इसे पता चलेगा तेल कितने का आता है ना ना तुम बोलो कितने का लग रहा है तुम्हें तुम बोलो कितने का लग रहा है मतलब एक लगेगा 500 का नहीं इतने बड़े कार में 1500 तो अभी हो गया है बेटा अभी रुक जा अच्छा कहां देख रहा है तू 1500 का अमाउंट दिख रहा है ना ऊपर अमाउंट है नीचे लीटर लिखा है उधर हां तू अच्छा बेटा मुझे पता है तू क्या कर रहा है एक बार मैंने हां किया अब तूने मुझे एक ही बारी में नहीं 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 मैंने कुछ नहीं बोला मैंने बोला तू टैंक में तेल डालेगी मैंने हां तेल डालूं तो तू मैंने पूछा कि हां मैंने पूछा फुल टैंक करना है बोला तुमने बोला हां तुमने हां बोला ना नहीं इसने बोला था कि पिंकी आज मेरे गाड़ी में तेल नहीं तेल डालेगी मैंने बोला ठीक है तो ये मुझे थोड़ी बता दिया पूरा फुल टैंक कराया फुल वाला था सुना फुल काट दिया तुमने हां फुल वाला था तू बेटा कोई बात नहीं अरे यार एक बार में हो गया ना जिंदगी भर के लिए बस तेरा दुकान खत्म बस बेटा ना ना पिग एंड ड्रॉप मार खाएगा तू ना 3000 है क्या ना ना ओ 3000 हो क्या होते 3200 हो तुझे भी पता चलना चाहिए ना तुझे मलाई लाग्दछ ना ना मलाई लाग्दछ ना ना 5000 मलाई लाग्दछ बरा नहीं है क्या कितने का भन्छ त भई कितने का हुआ अभी ओए 5000 हो इतना ज्यादा लगता है इसमें रुकना अभी ओ मुझे दाम दिखे थे 4000 ओए मेरा हार्ट अटैक हो गया 4000 से ऊपर जा दे सुनना ना सोच 43 कर दे 43 कर दे हो तो क्या 43 करेगा वो 4390 तो हो गया 43 कर दे मतलब 4300 को ट्रेल जान दे रही यो गाड़ी में यही देगा ना पैसे अब नहीं तू देगी और इसमें थोड़ा तेल था इसमें ऐसा नहीं था कि बिल्कुल खाली थी हां इसलिए तो चल के आया ना यहां तक चलो भाई सच में 4300 का हुआ है बिल देना भाई हां तू यहां देखना बिल भी दे देना अब तू ना जिंदगी भर तू जिंदगी ओ यहां चल फोन अब तू लाइफ टाइम के लिए तेरा दुकान बंद ना ना लू यहां बड़ा प्रियंका बोल रहे तुम्हारा ना मैं आंसू दिखाएगा बट मेरे आंसू मैं खुद दिखाऊंगी 4300 बट कोई बात नहीं ठीक है आज पहली बार इसने मेरे को बोला है नहीं असल में ये बात नहीं थी बात ये थी कि हर पहली बार तो बोला है सुन ले नहीं बात क्या थी बात ये थी कि हर बार तू बोलती है ना चल घूमने ये कर वो कर तू सोच मैं जब घर जाता हूँ ना चार बार रीटैंक करता हूँ रीफिल पूरा रीफिल और मेरे तू क्या उसका बदला तू मेरे से ले रहा है एग्जांपल दे रहा हूँ तेरे को पता चला कि तेल कितना लगता है कोई बात नहीं आज मैं दुखी तो नहीं हूँ क्योंकि यू नो आज इसने पहली बार बोला है मेरे को तेल भर दे ऑब्वियसली गाड़ी तू बोलती है ना गाड़ी ऐसी ही होती है गाड़ी का पता चलना चाहिए इंसान को देख अभी तूने तेल डाला ना अब तू सोच जब इसकी सर्विस होती है उस टाइम जाते हैं 12000 रूपए अब तो ये गाड़ी लेके तो कहाँ जाएगा कहाँ जाऊंगा मतलब क्योंकि फुल टैंक तो हो गया जरा कहीं ना कहीं तो घूम जाएगा जहाँ जाता रहता हूँ यार काम के चक्कर में ढाबा जैसा है ये तो अभी ये हमें ड्रॉप करेगा घर तक क्योंकि ये जिम भी जा रहा है और पहले हमारा घर आएगा तेरा जिम आएगा तुम्हारा घर मुझे कौन सा गली में जा रहा है
उधर से बहुत ट्रैफिक दिख रहा है यार। तो अभी हम जा रहे हैं घर, तो आप लोग हम थोड़ी देर बाद मिलते हैं। और आज हमारा ना बहुत ज्यादा काम हो गया, मतलब इट वाज लॉट ऑफ पैकिंग थिंग, लाइक थर्ड, लाइक आई वुड से 60% ऑफ पैकिंग एंड एवरीथिंग इज डन। अब सिर्फ शूट करना है और लाइव करना है, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। अभी बस हाँ, शूट का अभी जल्दी ही करेंगे एक्चुअली। अभी डेट फिक्स तो हुआ नहीं है, बट जल्दी कर लेंगे, विद इन 3-4 डेज शूट। हाँ वो कर लेंगे। उसके बाद में हमारा वेबसाइट तो इट्स लाइव, मतलब वेबसाइट तो रेडी है ना, बस हमको शूट करके वी हैव टू ट्रांसफर दैट इमेजेस वेबसाइट में, सो दैट व्हाइल यू गाइस विल यू नो प्लेस एन ऑर्डर, आप लोगों को इजी रहे और वो हमारे लिए भी इजी रहेगा। क्योंकि अगर हम यूजुअली इंस्टाग्राम से स्टार्ट करेंगे तो इंस्टाग्राम में प्रॉब्लम ये आती है कि अभी मैं इंस्टाग्राम में स्टार्ट करूंगा तुम लोग ऑर्डर प्लेस करोगे, फिर मेरे को किसी एजेंसी को पकड़ना पड़ेगा, फिर वो जाके पिकअप करेंगे, फिर वो डिलीवरी में टाइम लगाएंगे। तो इससे अच्छा है कि एक पर्टिकुलर वे में चले, जैसे सब वेबसाइट वाले चलते हैं, तो मैंने वो एक पर्टिकुलर वे लिया, उसी में मैं चलूंगा, उसी में हम आगे प्रोसेस। तो फिर हम लोगों ना एक एक करके वी हैव टू लाइक वी हैड टू गो और क्या बोलते हैं, मतलब सामान वगैरह क्या बोलते हैं पोस्ट करना पड़ता है। हम सेम जगह आए क्या? यार उधर से बहुत ट्रैफिक है। अगर तो इसका मतलब तू उधर से तो पेट्रोल के लिए गया था? अरे पेट्रोल के नहीं बेटा, उधर पेट्रोल के गया था। नहीं तो ये रोड क्यों नहीं लिया तूने पहले? क्योंकि ये देख, अभी देख यहाँ से, उधर तो मेरे को पूरा एंड तक जाम दिख रहा है, यहाँ से भी जाम है, दोनों साइड सेम है। तो फिर घूम के क्यों आए हमें? क्योंकि अगर वहां से जाएंगे तो पहले तो यू टर्न पे भी जाम है, फिर आगे भी जाम है, फिर सीआर इसका इधर आगे का चिराग दिल्ली। ठीक है तू हंस ले, जाम बोल के आज तो मेरे को 4,300 का चुना लगा है, क्योंकि पेट्रोल पंप उस तरफ था आगे से लेफ्ट में। आगे भी तेरे घर जाते हुए वहाँ नेहरू प्लेस के पास याद है, जाते हुए तो मैं तेरा और तेल लगा लेता, ज्यादा दिमाग चल गया है। एक मिनट वहाँ पहुँचता तो यहाँ से वहाँ जाने का तेल और खर्च होता, फिर वहाँ और जान नहीं ले लेती, वहाँ तो 45 मिनट का तेरा तेल पड़ जाता सच में, है कि नहीं? फिर एनीवेज गाइस, तो हमारा वो काम भी हो गया और अभी हम जा रहे हैं घर, एंड आई विल सी यू गाइस लेटर। आज चाहिँ म फर्स्ट टाइम यो लिफ्ट मा चले के, तिमी धेरै थाकेको छु भनेर म त न चढ्दिन थिए। ओ लिफ्ट हुँदा हुँदा को हिँड्छ सही सलामत पुग्छ, यस्तो गरम फ्यान छैन, फ्यान छ त छोड्दै चाबी तेरै पास छ होइन?